हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू येन एंड के किचन। फ्रेंड्स, ठंडी का मौसम आ गया है और ग्रीन मटर का सीज़न आ गया है, तो आइए मटर से कुछ ऐसी रेसिपी बनाते हैं। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मेरे किचन में देखिए क्या बनाती हूँ। मैंने 1 kg के करीब मटर ले लिया है और इसके छिलके निकाल लिए हैं और छिलके निकाल के मैंने वाश कर लिया है। फ्रेंड्स, मटर को मैं मिक्सी में डाल के दरदरा पीसूँगी। बहुत ज़्यादा पतला नहीं पीसना है, इसको दरदरा ही रखना है। दालें अच्छी तरह से मटर टूट जाए। और इसमें मैं देखिए 3 chili भी डाल दे रही हूँ, ग्रीन चिली। फ्रेंड्स, अब इसे पीस लेंगे। देखिए मैंने इसे बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है, दरदरा पीसा है। देखिए मटर हल्के हल्के दिख रहे हैं, खड़े नहीं होने चाहिए, टूटे हुए दिखने चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने कुकर ले लिया है और इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ये मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, 2 बड़े चम्मच मैंने डाला है इसमें ऑयल, और ऑयल को गर्म होने के लिए रखूँगी। फ्रेंड्स, जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मैं 2 tablespoon धनिया पाउडर ले ले रही हूँ एक बाउल में, और 1 tablespoon मैं चिली पाउडर ले लूँगी, और 1/4 जितना मैं टर्मरिक पाउडर ले लूँगी, और 1 teaspoon मैं गर्म मसाला पाउडर ले ले रही हूँ मैं, और ये सभी को एक ही में मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस मसालों में देखिए मैं थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ, इसलिए डाल रही हूँ कि मसाले थोड़े से अच्छी तरह से भीग जाए। 2-3 मिनट में मसाले अच्छी तरह से भीग जाते हैं तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैं इसको ऐसे करके रख दूँगी साइड में। फ्रेंड्स, देखिए मैंने एक बारीक कटा हुआ अनियन ले लिया है, 8-10 लहसुन की कलियाँ ले लिया है, 1 inch अदरक का टुकड़ा और 2 टमाटर ले लिया है। अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है तो मैं इसमें प्याज डाल के गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। फ्रेंड्स, प्याज अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो मैंने अदरक लहसुन लिया था वो देखिए उसको ऐसे कूट ले रही हूँ, ऐसे खल में कूट लेंगे, बहुत बारीक नहीं पीसना है। और प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया, अब मैं अदरक लहसुन इसमें डाल के उसको भी उसकी कच्चापन निकलने तक मैं उनको भून लूँगी। फ्रेंड्स, जो मैंने टमाटर लिया था 2 बारीक काट लिया है और प्याज और लहसुन में मिक्स कर दूंगी, और थोड़े देर तक इसको भी सॉफ्ट होने तक कुक करूंगी। फ्रेंड्स, देखिए तेल रिलीज हो गया है, अच्छी तरह से कुक हो गया है टमाटर प्याज, अच्छी तरह से कुक हो गया। अब मैंने जो मसाले भिगाए थे अब इसको इसमें मिक्स करके और अच्छी तरह से भून लूंगी। फ्रेंड्स, देखिए मसाला भून चुका है, अब मैं 1/2 tablespoon जितना नमक ऐड करूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और देखिए ऑयल वो भी रिलीज कर दिया है, मसाले हमारे अच्छी तरह से भून गए हैं। अब मैंने जो पेस्ट बना के रखा है मटर का वो इसमें ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, मसाले अच्छी तरह से भून गए तो अब मैं मटर जो मैं पीस के रखी थी वो इसमें मिक्स कर ले रही हूँ और अच्छी तरह से चला ले रही हूँ। इसमें नमक भी ऐड कर लेना है, मैंने मसाले में भी नमक डाला है तो इसमें भी ध्यान रख के नमक डालना है, तो मैंने इसमें 1 teaspoon नमक डाला है। फ्रेंड्स, मैं अब सब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और अब इसमें मुझे पानी ऐड करना है, तो मैं 200 ml जितना पानी ऐड करूँगी। जैसे घर में हम दाल बनाते हैं उस वैसी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, बहुत पतला नहीं रखना है और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना है, नहीं तो इसका टेस्ट नहीं आएगा। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, और ये कुकर में कुक होगा तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाएगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर पानी थिकनेस लगेगा तो हमारा कुक होने के बाद भी हम पानी को ऐड लेस कर सकते हैं, लेस तो नहीं कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इसीलिए पानी बहुत ज़्यादा मत डालिए। देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और 1 whistle आने तक ही हमें इसे कुक करना है। अब मैं कुकर का लिड लगा दे रही हूँ और इसे 1 whistle आने तक कुक करूँगी। फ्रेंड्स, देखिए दाल हमारा कुक हो गया है, मटर का दाल, और इतनी ही इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूंगी बाद में, पहले मैं इसे एक पैन में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, देखिए मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया है मैंने, वो थोड़ा सा गाढ़ा था, तो आप गाढ़ा रहेगा तो पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पतला रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए पानी ध्यान से डालिए और मैंने जो भी मेज़रमेंट बताया उसी हिसाब से डालिए। देखिए थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है मैंने, अब मैं तड़का रेडी करूंगी इसके लिए। ये हो गया है,
अब इसे गर्म करने के लिए रख दिया मैंने। देखिए एक बार खोल गया है, अब इसे मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और तड़का रेडी कर लूंगी। फ्रेंड्स तड़का पैन मैंने ले लिया है और इसमें 1 टीस्पून के जितना मैं ऑयल ऐड करूंगी। फ्रेंड्स ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करूंगी। और जैसे ही जीरा ऐड करेंगे फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब मैं इसमें लाल मिर्च और 1 पिंच हींग ऐड करूंगी। फ्रेंड्स अब इसे दाल के ऊपर डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। ये ठंडी के सीज़न में इसे चावल के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप घर में इसे ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए कि आने वाली जो वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।